जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच दूसरा T20 मुकाबला 12 दिसंबर यानी ट्यूजडे को सेंट जॉर्जी पार्क पर खेला जाएगा। लेकिन इस मैच को शुरू होने से पहले भारत में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और अपनी प्लेइंग 11 में से खतरनाक खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसके भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने से भारतीय टीम का प्लेइंग 11 और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आखिरकार भारतीय टीम में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कौन से 11 खिलाड़ियों का नाम का ऐलान किया है और क्या रहने वाले भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 दूसरे T20 मुकाबले के लिए। और साथ ही दोस्तों, ये भी बताने वाले कि मैच कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पड़ला भारी है, पिच रिपोर्ट और मैच विन प्रेडिक्शन से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में वीडियो रहने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चले दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच 3 मैचों के T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला आज डरबन के किंग्स मेड स्टेडियम पर खेला जाना था, लेकिन तेज बारिश के कारण पहला T20 मुकाबला रद्द हो गया है। अब आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच दूसरा T20 मुकाबला 12 दिसंबर यानी ट्यूजडे को सेंट जॉर्जी पार्क पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात के 8:30 पर शुरू होगा। अब बात करें इस मैदान की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो इस मैदान पर अब तक टोटल 8 T20 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 4 T20 मुकाबले में जीत मिली है। वहीं दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम यानी चेस करने वाली टीम को भी 4 T20 मुकाबले में जीत मिली है। इस मैदान की फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 130 रन है, जबकि दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 111 रन है। इस मैदान के हाईस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो 179 रन है 6 विकेट के नुकसान पर, जो साउथ अफ्रीका टीम ने न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ बनाया था। इस मैदान के लोएस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो 125 रन है 4 विकेट के नुकसान पर, जो ऑस्ट्रेलिया वन टीम ने साउथ अफ्रीका वन टीम के खिलाफ बनाया था। अब बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, आखिरकार हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन से टीम का पड़ला भारत। इन दो टीमों के बीच अब तक T20 की इतिहास में टोटल 25 T20 मुकाबले खेले गए, जिनमें से भारतीय टीम को 13 T20 मुकाबले में जीत मिले, वहीं साउथ अफ्रीका टीम को 10 T20 मुकाबले में जीत मिले, जबकि एक T20 मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय टीम का पड़ला भारी लग रहा है और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच को भारतीय टीम जीतेगी। लेकिन दोस्तों, आपके अनुसार इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जोड़ दें। अब बात करें दूसरी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, आखिरकार भारतीय टीम में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कौन से 11 खिलाड़ियों का नाम का ऐलान किया। तो भारतीय टीम का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। एज ओपनर नंबर 1 सुमन गिल, नंबर 2 यशस्वी जायसवाल, ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले। ये दोनों खिलाड़ी बेहद जबरदस्त और शानदार फॉर्म में चले, इसमें दोनों खिलाड़ी से उम्मीद है कि दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाने में कामयाब हो। हालांकि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं, इसमें दोनों खिलाड़ी का प्रदर्शन भी दूसरे T20 मुकाबले में बेहद जबरदस्त और शानदार देखने को मिल सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर का एक बेहतरीन बल्लेबाज हमें खेलते हुए नजर आने वाले, जो हाल ही में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 5 मैचों के T20 श्रृंखला में शानदार बल्लेबाजी करने में कामयाब रहे थे। इसमें श्रेयस अय्यर से भी उम्मीद होगी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने में कामयाब हो। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 307 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव हमें चौथे नंबर पर खेलते हुए नजर आने वाले, जो बेहद जबरदस्त और शानदार फॉर्म में चले। इसमें सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन भी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ बेहद जबरदस्त और शानदार देखने को मिलने वाले। पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर एक बार फिर से ईशान किशन बतौर विकेट कीपर बैट्समैन में खेलते हुए नजर आने वाले, जो बेहद ही खतरनाक लय में भी नजर आ रहे हैं। इसमें ईशान किशन का प्रदर्शन भी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ बेहद ही जबरदस्त और शानदार देखने को मिल सकते हैं। वहीं छठे नंबर की बात करें तो रिंकू सिंह T20 के बेहतरीन बल्लेबाज हमें खेलते हुए नजर आने वाले, जो हाल ही में खत्म हुई एशिया टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला में शानदार बल्लेबाजी करने में कामयाब रहते हैं। ऐसे में रिंकू सिंह से भी उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने में कामयाब हो। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन हमें खेलते नजर आने वाले, जो बेहद जबरदस्त और शानदार लय में भी नजर आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा से भी उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से अपने टीम के लिए काफी ज्यादा योगदान दे। वहीं आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर एक बार फिर से रवि बिश्नोई एक बेहतरीन लेग स्पिनर हमें खेलते हुए नजर आने वाले, जो बेहद जबरदस्त और शानदार लय में भी नजर आ रहे हैं और हाल ही में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला में शानदार गेंदबाजी करके मैन ऑफ द सीरीज बने थे। ऐसे में रवि बिश्नोई का प्रदर्शन भी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ T20 श्रृंखला में बेहद जबरदस्त और शानदार देखने को मिलने वाली है। वहीं नौवें नंबर की बात करें तो हर्षदीप सिंह बाएं हाथ के एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हमें खेलते हुए नजर आने वाले, जो हाल ही में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला में शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान देते हैं। ऐसे में हर्षदीप सिंह का प्रदर्शन भी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ बेहद ही जबरदस्त और शानदार देखने को मिलने वाली है। वहीं दसवें नंबर की बात करें तो मुकेश कुमार T20 के एक बेहतरीन बल्ले गेंदबाज हमें खेलते हुए नजर आने वाले, जो हाल ही में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला में शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान देते हैं। ऐसे में मुकेश कुमार का प्रदर्शन भी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ T20 श्रृंखला में बेहद ही शानदार देखने को मिलने वाली है। 11वें नंबर की बात करें तो मोहम्मद सिराज एक बेहतरीन तेज गेंदबाज
में खेलते नजर आने वाले जो बेहद जबरदस्त और शानदार लय में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन भी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ T20 ऐसे मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन भी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ T20 श्रृंखला में बेहद जबरदस्त और शानदार देखने को मिलने वाले। दोस्तों ये रही भाई टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में जो रहने वाले साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के लिए। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि भाई टीम दूसरे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बनाने में कामयाब हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।